हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल गाइस आर फाइन. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन क्लास 10, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8. टुडे इज अ इंट्रोडक्शन क्लास एक्चुअली, करेक्ट. बिफोर स्टार्टिंग द इंट्रोडक्शन आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो सब्सक्राइब इट, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस डालूं आप वो वीडियो तुरंत आप तक पहुंचे. और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए. सो लेट अस विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, करेक्ट. सो हियर ट्रिग्नोमेट्री, सबसे पहले अगर हम इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या. सो इस वर्ड की डेफिनेशन इज ट्रिगोनो, TRIGONO. ट्रिग्नो मीन्स होता है, इट इज एक्चुअली ट्रायंगल, करेक्ट. ट्रिग्नो मीन्स इट इज ट्रायंगल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रॉन, करेक्ट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मैट्रॉन, वी कैन से मैट्रिक. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मैट्रॉन, सो इट मीन्स मेजर, करेक्ट. मेजर मीन्स ट्रिग्नो मीन्स इट इज ट्रायंगल, मैट्रॉन मीन्स इट इज मेजर. सो वी कैन से मेजरमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स पॉसिबल इन अ ट्रायंगल. एक पर्टिकुलर ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी आर एबल टू फाइंड ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायंगल, दैट इज ऑल द पॉसिबल थिंग्स विच इज पॉसिबल टू मेजर इन अ पर्टिकुलर ट्रायंगल. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, ऑलवेज कीप योर माइंड सेट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल. अंडरस्टूड? When we are talking about trigonometry, that time keep your mindset. This is the sign of 90 degree. This is the sign of right angle triangle. Always keep your mindset when we are talking about trigonometry. Then keep your mindset. Then we are going to talk about right angle triangle. Let's name it A, B, and C. In a simple words, we are talking. Then we know that this is what perpendicular. This is what base, and this is what, this is actually hypotenuse. In the simple words we are talking. But when we are talking about trigonometry, when we are talking about these perpendicular and base in trigonometry, then it depends on the particular angle that we will discuss later. Okay. First we are talking, suppose perpendicular is given and base is given, and we have to find the hypotenuse. Or suppose we can say, in class 9 we already studied, suppose we can say hypotenuse given and base is given and we have to find the perpendicular. Then for all that things we use Pythagoras theorem to find hypotenuse. अगर मेरे को हाइपोटनस फाइंड करना है, शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, टू फाइंड हाइपोटनस. अगर मेरे को ये हाइपोटनस फाइंड करना है तो ऑलवेज कीप योर माइंडसेट, वी नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड हाइपोटनस, करेक्ट. वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? सो दैट इज एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. विद दिस फॉर्मूला इट इज बी स्क्वायर. With this formula, we are able to find the hypotenuse, we are able to find the perpendicular, we are able to find the base. The main thing is, two values should be given. Understood? Two values, either perpendicular or base is given, either base or hypotenuse given, either perpendicular or hypotenuse or base or hypotenuse is given. So, by this formula, using hypotenuse square equals to perpendicular square plus base square, मैं कोई भी साइड बहुत ही इजिली फाइंड कर सकता हूँ. सो दोस्तों, ये क्या था? ये तो मैंने जो बेसिकली आपसे बात करी है, मैंने आपसे बेसिकली बात करी क्लास 9 के लेवल की. अंडरस्टूड? क्लास 9 के. बट हियर वी आर इन क्लास 10. तो अब आपसे मैं थोड़ा सा 10th के लेवल की बात करता हूँ. फिर 10th में नाउ वी आर गोइंग, व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस, करेक्ट. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ. ओके. सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो हम राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इसको भी थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ, करेक्ट. सो दिस राइट एंगल ट्रायंगल इन क्लास 10 वी आर गोइंग टू स्टडी नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब हम जो बात कर रहे हैं, डेट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. So first we will draw a right angle triangle again, correct. So this one is the right angle triangle. This one is what? This one is 90 degree. Let this will be A, this will be B, and this will is C. What are trigonometric ratios actually? So trigonometric ratios means we are consulting about sin theta, cos theta, tan theta. There is no value of sin, cos, or tan if the theta is not there.
understood. Theta is what? Theta means we are talking about any angle. Theta is what? Theta is any angle. Theta is any angle. Angle A हो सकता है, angle C हो सकता है, but it will not be angle B. Angle B हमेशा 90 ही होता है. So either theta, maybe theta will be this one, correct? Or maybe theta we can say this one. Understood? But we cannot say B. This is always 90 degree, correct? So let suppose not theta is the angle. Now we are going to discuss sine, cos or tan. So this is what? Sin theta, this one is what? Cos theta, and this one is what? Tan theta, we are going to discuss. Sin theta, cos theta or tan theta, correct? So most important thing, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक मैं आपको वो बता देता हूँ जो इस फॉर्मूले को याद रखने का गुरु मंत्र है. सो गुरु मंत्र क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, करेक्ट. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब यहाँ पे लिखूंगा पंडित, यहाँ पे लिखूंगा बद्री और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रसाद. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, करेक्ट. सो दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, दिस इज वेरी सिंपल. साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट थीटा. व्हेन थीटा इज हियर, ठीक है, हमेशा याद रखना इन ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल जो एंगल गिवन होता है, यहाँ पे क्या गिवन है? थीटा. जो एंगल गिवन होता है हमेशा उसका अपोजिट वाला परपेंडिकुलर कहलाता है. सपोज द थीटा इज हियर, सो दिस वन इज परपेंडिकुलर. सपोज द थीटा इज हियर, सपोज द थीटा इज हियर, सो वी कैन से दिस वन इज द परपेंडिकुलर. अंडरस्टूड? मीन्स जो भी एंगल को मैं थीटा लेता हूँ, जिस भी एंगल को मैं थीटा लेता हूँ उसका अपोजिट वाला पार्ट कहलाता है परपेंडिकुलर और दूसरा पार्ट कहलाता है बेस. और ऑलवेज रिमेम्बर जो हाइपोटेनस रहता है वो हर केस में सेम रहता है. अपोजिट ऑफ 90, अपोजिट ऑफ 90 इज ऑलवेज हाइपोटेनस. तो जो मेन रहता है वो परपेंडिकुलर बेस होता है. हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है. परपेंडिकुलर बेस, जहां पे थीटा है उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, अगर यहाँ थीटा तो उसका अपोजिट परपेंडिकुलर. तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? हमने ये वाला थीटा लिया, करेक्ट. सो दिस इज आवर परपेंडिकुलर एंड दिस इज आवर बेस. सो साइन थीटा इज व्हाट? पी बाय एच. सो व्हाट इज परपेंडिकुलर? सो आई कैन राइट ऑल्सो हियर परपेंडिकुलर इज AB upon AC बिकॉज इट इज पी अपॉन एच. सो दिस इज वन इज AB upon AC. Or what I can say, cos theta. What is cos theta? It is base by hypotenuse. So when we are talking about cos theta, so it is B by H. So B is what? BC upon H is what? H is AC. So this will become BC upon AC. When we are talking about tan theta, so it is perpendicular upon base. So this one is perpendicular. So that is AB and this one is what? Base. So this is BC. So I can write AB upon BC. Now the most important thing, reciprocal of that sine theta, cos theta and tan theta. That is most important. So when we are talking about reciprocal of sine theta, so that is cosec theta. Cosec theta that is equals to cosec theta means I can write it is P by H. So this is what? H upon P. This one is very simple. When we are talking about cos theta, so reciprocal of cos theta is what? Sec theta. Sec theta. So sec theta is what? It is, here it is B by H. So this will become H upon B. Now the third one, that is tan theta. So opposite of tan theta, reciprocal of tan theta is what? Cot theta. So that is P by B. So this will become B by P. So students, this is very simple chapter, correct? And we discussed a lot. Most important thing about this chapter, if you understand this chapter, then 90% of the questions you are able to solve of the chapter trigonometry. For students, agar aapko mera video acha laga to usko zyada se zyada share kijiye. Is video mein bas itna hi. Thank you.